भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए जहाँ से कानून बनता हो, अगर उसी जगह पर भ्रष्टाचार हो रहा हो, तो फिर ये अपने आप में एक अजीबोगरीब तथ्य है। लेकिन ऐसा हुआ है, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में। हम जहाँ खड़े हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये इसी बिल्डिंग में जिलाधिकारी का कार्यालय है, और इसी बिल्डिंग के ठीक नीचे ये तीन सीढ़ियों के बाद जो ये एक कमरा है, यहाँ लंबे समय तक काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तहत यहीं से फॉर्म भरा जाता था, और जो लाभार्थी थे उनके लिए यहीं से आवंटन की जो प्रक्रिया थी वो चलती थी। लेकिन कुछ समय पहले ये जो कार्यालय है, ये जो योजना है, इसको नगर निगम को हैंडओवर कर दिया गया था। इसके बाद से यहाँ पर काम ख़त्म हो गया था। यहाँ फिर इस योजना से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं था इस कार्यालय का। लेकिन राम वृक्ष नाम का एक कर्मचारी जो जिलाधिकारी कार्यालय में बाबू के पद पर था, रिटायर कर गया था, वो लगातार इस योजना को फर्जी तरीके से इसी कमरे से चला रहा था। ये अपने आप में बेहद अजीबोगरीब तथ्य है। जिलाधिकारी जहां बैठते हों उसके ठीक नीचे ये भ्रष्टाचार का एक नया शिगुफा यहां से छेड़ा जा रहा था। और ये बात जब प्रकाश में आई, प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। एडीएम प्रशासन ने तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए अब FIR दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है राम वृक्ष पे। लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों तक ये सब कुछ होता रहा, और वो भी जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक नीचे। वकील साहब हैं, यही बगल में इनका चैम्बर है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम मिथिलेश यादव है। तो मिथिलेश जी, ये आप इस कार्यालय के बारे में कभी सुने थे, जानते थे कि क्या होता है यहाँ? पहले इस कार्यालय में खनन विभाग का मामला चलता था, इसमें खनन विभाग के अधिकारी बैठते थे। और उसके बाद जो है कि 3 साल से ये राम वृक्ष और एक इसमें एक औरत और है, दो तीन लोग मिल के कांसी राम आवास योजना का जो है कि ऑफिस बना के लोगों को फर्जी फार्म, हमको लग रहा था उसी समय के फर्जी लग रहा था जिस हिसाब से इन सबों का रवैया था, क्योंकि तमाम महिलाएं ऐसी जो शहर से आती थी वो आवास के लालच में गरीब हुआ करती थी, उनको मोबिलाइज करके कि तुमको आवास हम पास करा देंगे, इसके एवज में वो सब पैसे भी लेते थे। और हमको देखने से नहीं लगता था कि ये सब सही है, लेकिन फिर भी हमको लगा भाई DM कार्यालय हो सकता है कि सही हो। लेकिन अब जब मामला प्रकाश में आया तो हम लोगों को पता चला कि नहीं, वाकई में मामला फर्जी है। तो ये पिछले 2-3 साल से फर्जी चल रहा था। 3 साल से तमाम महिलाएं रोज आती थी, हम लोगों से पूछती थी कि सर इसमें जो मैडम बैठती थी, जो सर बैठते थे, वो कहाँ चले गए। अच्छा यादव जी, ये बताइए, यहाँ बकायदे लिखा हुआ है, आप देखिए ना, कार्यालय माननीय काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना जनपद वाराणसी। ये लिख कर और कार्यालय चलाने में ये तो बहुत जिगर चाहिए ना, हिम्मत का काम है। इस तरीके से नाक के नीचे भ्रष्टाचार चल रहा था DM ऑफिस के, क्योंकि इसीलिए तो किसी को विश्वास नहीं हुआ ना कि जब DM कार्यालय के अंदर ये चीज़ें चल रही, तो किसी को भी विश्वास होगा कि चीज़ें सही हो रही है। लेकिन इसके आड़ में जब मामला फर्जी हो रहा है तो उसमें कोई भी कैसे विश्वास कर पाएगा, क्योंकि मामला तो कार्यालय के अंदर हो रहा है ना। तो इतना अभी भी लाभार्थी आ रहे हैं, आज भी 2-3 लोग आए जी। मुझे पता चला कि इस तरह से जो फर्जीगिरी आवास योजना का ये लोग फार्म बांट रहे हैं, और मुझे आश्चर्य तब हुआ कि DM ऑफिस के बिल्डिंग में एक बाकायदे एक खनन विभाग के ऑफिस में बैठ के इस तरह से कृत्य की जा रही है। तो उसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिवक्ता या जो भी आवास योजना के तहत फॉर्म लेने आ रहे हैं, सबको यही विश्वास था कि जब इस तरह से कार्य हो रहा है और DM वो बिल्डिंग के में कार्यालय खोल के हो रहा है तो सही ही होगा। लेकिन अभी 2-3 दिन से ये जो ह्यूमर फैला कि ये इस तरह से गलत कार्य हो रहे हैं, तो हम भी आज देखे हैं, यहाँ पास आए हुए हैं, देखे हैं इस चीज़ की जाँच पड़ताल करने, तो पता चला कि ये लोग ताला लगा के भागे हुए हैं और ये पूर्ण रूप से फर्जी है। पता नहीं कितने ऐसे लोगों का ये पैसा लेके गबन कर लिए होंगे, कितने फॉर्म जमा किए होंगे, उनका क्या मिसयूज करेंगे, अब ये तो वही बता सकते हैं। चलिए, तो पिछले 3 साल से यहाँ फर्जी तरीके से कार्यालय बनाकर और शहरी आवास योजना काशीराम जी के नाम पर चलाई जा रही थी DM ऑफिस के ठीक नीचे। अब जब सारा मामला प्रकाश में आया है तो प्रशासन ये कह रहा है कि जो रिटायर बाबू है राम वृक्ष, हम उस पर FIR दर्ज करने जा रहे हैं। कार्यधिकारी जिला में आए कचहरी में काशीराम आवास के लिए फॉर्म भरवाने
फॉर्म भी यहीं भराता था, हम लोग यहीं जमा भी किए हैं। एक बार 2011 में भी हमारी माताजी की रही तो नहीं हुआ, इन्होंने उनका नहीं हुआ। इस बार फिर 2023 में काफ़ी ज़्यादा भीड़ के मात्रा में सब लोग, महिलाएं पुरुष सब लोग भरा था, फिर भी नहीं हुआ। अभी काफ़ी समय से हम यहाँ पे दौड़ रहे हैं, कम से कम फॉर्म भरने के 3-4 बार आ चुके हैं यहाँ पर। सर ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जब हम भरे यहीं थे तो हमें यहीं बुलाया जाता था। अभी हमको भरे लगभग 1.5 साल हो गया है। अभी दोबारा इसके आवास के लिए फॉर्म भरा रहा था तो हमने दोबारा भरा था। आज से पहले अभी लगभग 6 महीने हो गए, क्योंकि अभी फिर मैं बीच में मेरे घर में प्रॉब्लम हो गए थे तो हम लोग आ नहीं पा रहे थे उसकी वजह से। तो हमने फिर वापस हमने फॉर्म मतलब यहीं भरा था तो हमने यहीं आना, मतलब यहीं उचित लिस्ट में नाम भी आ गया था। फिर हमें सब लोग बोला कि डूडा ऑफिस जाके पता कीजिए, तो फिर हमने डूडा ऑफिस भी गए तो वहाँ पे बोले कि आप नगर निगम में हैं, तो नगर निगम में नंबर भी गलत था, जो हम लोग जो लिस्ट में नंबर थे वो भी गलत थे, हम लोगों के अब नाम काट दिया गया। आप लोग इतने दूर से आ रहे हैं, नियम दफ्तर के ठीक नीचे फर्जी दफ्तर चल रहा है। अब ये तो हमें नहीं पता था सर कि ये फर्जी है। अब हमें तो जो बोला कि यहाँ भरा रहा है वहाँ भरा रहा है, हम लोग बस दौड़ रहे हैं। अपने फॉर्म भरा उसका कुछ पैसा लिया गया था फॉर्म भरने नहीं फॉर्म भरने का पैसा नहीं लिया गया था फॉर्म भरने का पैसा नहीं लिया गया था उसके बाद जब आपका नाम आ गया तब कुछ पैसा की डिमांड हुआ नहीं उस समय पैसे की कोई डिमांड नहीं हुई थी, बस खाली मतलब आओ देखो फिर फॉर्म भरो। यहाँ कचहरी पर आए हैं यही उम्मीद से कि भाई हमको मिल जाएगा, हमेशा दौड़ते हैं 2 महीना जैसे मकान। ये यहाँ पर आए हैं इसको तो हमको नहीं इतना पता है। हाँ काशी आवास के लिए आए हैं, फॉर्म भर आए थे कि हम भाई यहाँ दौड़ रहे हैं कि मिल जाएगा, इसी से अभी तक तो हमको मिला नहीं। फॉर्म वगैरह भरे थे? हाँ भरे थे पूरा जमा, ये भरे थे कब भरे थे? 2023 में। जो दफ्तर है आप कचहरी में? हाँ हाँ कचहरी पर यही है। लेकिन ये दफ्तर तो नगर निगम में है तो यहाँ पे कि वो सप्लायर इसके पहले भी आए हैं? हाँ यही ठन आते हैं हम हमेशा पता लगाने के लिए। ये कुछ पैसे वैसे के डिमांड करते थे? नहीं पा दफ्तरी फर्जी है यहाँ अभी तो नहीं मालूम, पैसे को तो नहीं बोले। फिर यहाँ से गए गुना ऑफिस तो वहाँ बोल रहे हैं कि आप नगर निगम में रहती हैं, नाम काट दिए हैं, लिस्ट में मेरा नाम आ गया है। हाँ लिस्ट में नाम आ गया, वहाँ गए तो बोल नाम काट दिए, बोले कि आप नगर निगम में बताइए, हम नगर निगम कहाँ से रहेंगे, हम तो किराया पर रहते हैं। कहा जा रहा है कि ये दफ्तर पूरी तरीके से फर्जी है सर, तब इतना हम लोग को तो पता नहीं है। अब भाई हम लोग गरीब आदमी है, जहाँ इंसान बोलता है कि यहाँ पर जाइए आपको मिल जाएगा वहाँ हम लोग दौड़ते हैं। नहीं जानते नहीं है, ये हम आए तो दो तीन 5-6 महीना हो गया। कौन बुलाया था उनका नाम जानती हैं? नहीं नाम तो नहीं, यही ठन बुलाए थे तो हम अपना आए थे, नाम तो नहीं पता। आप तो कैसे इनसे संपर्क कैसे बना रहे हैं? संपर्क नहीं बनाए, वैसे ही फॉर्म भरे थे तो वही यही ठन भरे थे तो यही ठन आते हैं पता लगाने। अभी भी ये प्रकाश में आया, सुबह प्रकाश में आया है ये मसला। अब उस पर तत्काल हम लोगों ने उस पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और जो भी उस पर वैधानिक कार्रवाई है वो सब कुछ अभी तत्काल आज ही जाँच करके हम लोग कर देंगे इसको। कौन लोग थे और ये कितने समय से ये चल रहा था? ये अभी तो ये नहीं, ये तो बिल्कुल क्लियर की बात नहीं आ पाई क्योंकि ये जांच का विषय है, लेकिन वो एक रिटायर्ड बाबू था जो ये चल रहा था। फिलहाल हम उस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं, जांच कर रहा है, प्रक्रिया चल रही है।